कोरोना महामारी के दौरान तीरथ सरकार ने कुशल प्रबंधन और दूरदर्शी नीतियां बनाते हुए कामयाबी के साथ दूसरी लहर का सामना किया है। सरकार ने राज्य के हर गांव, हर कस्बे तक लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। इस अभियान में राज्य की आशा और आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश के सभी जिलों, कस्बों और वार्ड में घर घर पहुंचकर लोगों को आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें जागरूकता संदेश पहुंचाने के साथ ही साथ पोषक आहार और वैक्सीन की अहमियत भी समझा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा ट्रेनिंग और काउंसलिंग के बाद पीएलओ के नेतृत्व में आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें प्रदेश भर में सरकार की तरफ से बांटे जा रहे राशन, सैनिटाइजर, दवाएं और मास्क सहित सभी जानकारियां प्रदेश के कोने कोने में हर एक जरूरतमंदों तक पहुंचा रही हैं। कोरोना संक्रमण की चुनौती में राज्य सरकार की सहयोगी बनी आशा और आंगनबाड़ी बहनों की टीमें राज्य सरकार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीकाकरण केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार के साथ कोरोना से इस लड़ाई को जीतने में जी जान से जुटी मातृशक्ति पर आज प्रदेश को गर्व है, जो आज हर संभव प्रयास कर न सिर्फ समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में राज्य सेवा और जन सेवा की शपथ को भी पूरा कर रही हैं। आप भी कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में आशा और आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग करें और उत्तराखंड को कोरोना मुक्त बनाएं।